फाइनली रेडमी नोट 8 के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आ चुका है जो है सिक्योरिटी पैच का। कैसे आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आपको डाउनलोड करना भी चाहिए या नहीं, वो सभी चीज़ मैं आज के इस वीडियो में बताऊंगा। और आपको ये भी बताऊं कि अगर आपके डिवाइस के लिए MIUI 12.5 का अपडेट आता है तो आप कैसे उसे सबसे पहले अपडेट कर सकते हैं। जी हाँ, वो सभी चीज़ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये जो अपडेट है गूगल की तरफ से, जी हाँ, ये शाओमी की तरफ से नहीं है, गूगल की तरफ से एक सिक्योरिटी पैच का अपडेट है जो मैंने कल किया था। एक्चुअली बहुत पहले आ चुका था लेकिन मैं वीडियो काफ़ी लेट से बना रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो डिवाइस है रेडमी नोट 8 और इसमें 1 जनवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच चल रहा था और इधर गूगल की तरफ से मई अलर्ट चल रहा था, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 मई का। और जैसे ही यहाँ पे मैंने अपडेट को चेक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं 1.9 MB का अपडेट दिखा रहा था सिक्योरिटी पैच का, जो कि था 1 जून 2021 का, जैसे कि यहाँ पे आप अभी देख रहे हैं। अब इसको अपडेट करने का क्या फ़ायदा है वही मैं आपको अभी समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके डिवाइस में कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू चल रहा है तो इस चीज़ में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि ये जो अपडेट है ये डायरेक्टली गूगल की तरफ से आ रहा है, शाओमी की तरफ से नहीं आ रहा। तो जब भी ये अपडेट आपके कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए आए तो आप इसे अपडेट ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपका जो डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर रहेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 जून 2021 का मुझे सिक्योरिटी अपडेट मिला है अपने रेडमी नोट 8 में। मैं फिर से आप लोगों को कॉन्फ़िगर के लिए दिखा देता हूँ, मेरा जो डिवाइस है रेडमी नोट 8 है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं शाओमी की तरफ से मेरे डिवाइस में जो सिक्योरिटी पैच है वो 1 जनवरी 2021 का और गूगल की तरफ से जो सिक्योरिटी पैच आया है वो 1 जून 2021 का, जो एक तरफ से सही है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके डिवाइस के लिए MIUI 12.5 आता है तो आप सबसे पहले कैसे इसे अपडेट कर सकते हैं। उसके लिए देखिए बहुत ही बेसिक सा सिंपल सा सेटिंग है। सबसे पहले आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे अवार्ड फोन पे क्लिक करना है। अवार्ड फोन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको MIUI वर्जन पे जाना है। MIUI वर्जन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू 3 से 4 बार कुछ इस तरह से टैप करना है, जब तक कि ना यहाँ पे आ जाए एडिशनल अपडेट फीचर्स आर ऑन। जैसे ये आया आपको यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देखिए अपडेट जो सेटिंग आ रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक कर देंगे जो भी यहाँ पे आपको सेटिंग दिख रहा है वो सभी सेटिंग आपको सेम कर लेना है। और थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिसीव अपडेट अर्ली, इसे आपको इनेबल करना है, जैसे कि अभी मेरा बन है। तो इस तरह से अगर इनेबल कर देते हैं और जब भी आपके डिवाइस में MIUI 12.5 या कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आप उसे सबसे पहले इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं मैनुअली, जैसे कोई भी लेटेस्ट अपडेट आप इंस्टॉल करते हैं। तो इस तरह से आप अपने डिवाइस को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर कर सकते हैं अपडेट करके। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कहीं से भी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर देते हैं। थैंक यू।